जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। दो नई अपडेट आई हैं। कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं था, हमारी सरकार बनने से 750 बेड का मेडिकल कॉलेज देने का काम भी किया है। इसके निर्माण पर 532 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और MBBS के साथ साथ MDMS की सीट भी उपलब्ध होगी। गठबंधन सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2250 रुपये करने का काम भी किया है। वहीं भविष्य में इस पेंशन को 5100 रुपये करने का काम भी सरकार करेगी। करिश्चंद में मॉडल लाइब्रेरी बनाने का काम किया जाएगा। इस लाइब्रेरी में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो ताकि हल्के के युवाओं को भी कोचिंग के लिए दिल्ली सहित दूसरे शहर में न जाना पड़े। गांव में जो खेल स्टेडियम है उसमें लड़कियां कोई भी एक खेल चुनकर बताएं ताकि उस खेल की हर तरीके की व्यवस्था वो अपने निजी कोच से कर सकेंगे। और वहीं आपको बता दें कि ढाकल कोठी से शुद्ध कैन हेड तक जरवाहा की जो मांगे हैं उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। उचाना खुर्द गाँव ITI में 20x20 गज की जगह होडा कंपनी को दे दी गई है, जिसमें कंपनी द्वारा लैब बनाई जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।